ओम शांति। 28 अक्टूबर 2022। परमात्म शिक्षाएं। बाबा, हम बच्चों के कल्याण हेतु समझाने दे रहे, एकाग्रता में सुनेंगे और आत्मसात कर लेंगे। बाबा कहते हैं, डर जो है वो इंसान को कमज़ोर कर देता है। पहले उसका मन कमज़ोर होता है, फिर उसका तन कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि मन का डायरेक्ट इफेक्ट तन पर पड़ता है। भयभीत इंसान को कोई भी पकड़ सकता है। परमात्मा हम बच्चों को स्ट्रांग बनाता है। वो हमें ऐसे संकल्प विचार देता है कि जिससे हम अंदर से स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब हम स्ट्रांग हो जाते हैं तो यह नेगेटिव एनर्जीज को स्वयं के अंदर एंटर होने नहीं देते। यह रावण अर्थात नेगेटिव एनर्जी का पर्पस ही होता है डराना, अहंकार और भय। यह दो ही रावण के मेन हथियार होते हैं, और शिव बाबा हमें इन दोनों से ही मुक्त करवाता है। बाबा कहते हैं, सारा खेल ही है हमारी मन की स्थिति का, अर्थात मन से हम स्टेबल हैं या फिर ऊपर नीचे होते रहते हैं, क्योंकि जो जितना स्टेबल रहेगा वो उतनी ही जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचेगा और उतना ही आगे आएगा। और यह स्थिति है अंदर की, कि क्या अंदर से मैं अचल अडोल हूँ, क्या मैं बिल्कुल शांत हूँ। क्योंकि जो अंदर की शांति है वो मेरी पांचों कर्म इंद्रियों को भी शांत कर देती है, अर्थात हम प्रभाव मुक्त हो जाते हैं। और जितना मेरे ऊपर बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात जब मैं बाहर की आँख बंद करूँगी तो अंदर की आँख जो है वो खुलेगी, जिससे कि पॉजिटिव वाइब्स फैलेंगी। क्योंकि जब मैं बाहर की आँख से देखती हूँ और बोलना शुरू कर देती हूँ, तब मैं सोचती हूँ कि बोलकर ही ठीक कर लूँ सब कुछ, जिससे फिर संकल्पों पर तो मेरा अटेंशन ही खत्म हो जाता है। परंतु अटेंशन केवल कर्म पर ही रहता है, परंतु जैसे ही सोमान में आ जाऊंगी तो बोल कम हो जाएंगे, काम ज्यादा होगा। भगवान की याद अगर मेरे अंदर दिल तक समाई है तो उसका ज्ञान जो मेरे अंदर बैठा हुआ है वो काम करेगा, क्योंकि भगवान लाइट है, वो एनर्जी है, एक पॉजिटिव एनर्जी जो मेरे थॉट्स के थॉट्स का काम करेगी। परंतु केवल और केवल तब जब मेरा निश्चय और समर्पण दिल से हो, दिमाग से नहीं। शांति में ही शक्ति है, और शक्ति ही परिवर्तन कर देती है। हलचल में शक्ति नहीं होती, हलचल में कमजोरी होती है, शांति में शक्ति होती है। समझा? ओम शांति। शुक्रिया बाबा।